दक्षिण भारत के मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और भव्य हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर भी इन्हीं भव्य मंदिरों में से एक है। यह दक्षिण भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रौनक ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तिरुपति बालाजी के अद्भुत रहस्यों के विषय में। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में स्थित भगवान वेंकटेश्वर का यह मंदिर, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, यह मंदिर बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत रहस्यों से भरा है। यह मंदिर दक्षिण में स्थित तालाब तिरुमाला के निकट बना है और दक्षिण के चारों तरफ शेषनाग की भांति ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, जो कि सप्तगिरी कहलाती हैं। इतिहास के 5वीं शताब्दी से जुड़े यह मंदिर सभी धर्मों के लिए खुला है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में स्थित इस मंदिर में भगवान स्वयं विराजते हैं और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को किसी ने नहीं बनाया है, यह स्वयं प्रकट हुई है। और भगवान बालाजी के मूर्ति के सिर पर असली रेशमी बाल हैं, जो कि अत्यंत ही मुलायम और कभी न उलझने वाले बाल हैं। दोस्तों, भगवान की मूर्ति के मुख पर एक चोट का निशान भी है, जिस पर प्रत्येक शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर दाईं ओर एक छड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि बाल्यकाल में भगवान बालाजी की इसी छड़ी से पिटाई की गई थी, जिससे कि उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई। दोस्तों, इस मंदिर में केश दान की एक अद्भुत परंपरा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, वह अपनी मन्नत के अनुसार अपना केश दान करते हैं। लगभग 20,000 लोग प्रतिदिन यहाँ पर अपना केश दान करते हैं। लोग केश के साथ भगवान को अपना अहंकार, क्रोध और अपने भीतर की समस्त बुराइयों को भी समर्पित कर देते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह के बिल्कुल मध्य में स्थित है और बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ति बाईं ओर स्थित है। दोस्तों, बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है, जिसके कारण वहाँ के पुजारी समय समय पर उनका पसीना पोंछते रहते हैं। दोस्तों, मंदिर की प्रतिमा को ध्यान से सुनने पर समुद्री लहरों की आवाज़ें आती हैं। ऐसा क्यों होता है, यह आज तक पता नहीं चला है। असली हैरानी की बात तो यह है कि मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक बिना तेल और घी के हजारों साल से जल रहा है। दोस्तों, मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है, जहाँ के लोग आज भी पुराने रीति रिवाज से अपना जीवन जीते हैं और उसी गांव से लाए गए फूल, फल, मक्खन, घी, तेल इत्यादि से भगवान बालाजी का श्रृंगार और भोग की व्यवस्था की जाती है। उस नगर के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को वहां पर जाने की इजाज़त है। ऐसा कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों साथ में विराजते हैं। ऐसा तब और भी निश्चित हो जाता है जब भगवान का हर गुरुवार को पूरा श्रृंगार उतारकर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है और लेप उतारते समय सीने के लेप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्पष्ट नजर आती है। दोस्तों, मंदिर में रोजाना 3 लाख लड्डू भगवान के भोग के लिए बनते हैं और अन्य मंदिरों की भांति यहाँ भी भगवान को तुलसी पत्ते का भोग लगाते हैं, परंतु उसे भक्तों को प्रसाद के रूप में नहीं दिया जाता है, बल्कि पूजा के उपरांत उसे एक मंदिर परिसर के एक कुएं में डाल दिया जाता है, जिसे मुड़कर देखना तक वर्जित है। दोस्तों, बालाजी के मंदिर में मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। दोस्तों, बालाजी को नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का स्वरूप भी समाहित है। वैसे तो बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर की बनी है, परंतु देखने से यह बिल्कुल जीवंत प्रतीत होती है। दोस्तों, भगवान बालाजी की प्रतिमा का तापमान सदैव 110 फ़ारेनहाइट रहता है, जिसके कारण भगवान को हमेशा पसीना आता रहता है और यही कारण है कि मंदिर के तापमान को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। दोस्तों, तिरुपति बालाजी का यह मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में आता है और यहाँ के चमत्कार और अद्भुत रहस्य मंदिर को और भी महत्ववान बना देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।